नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं सेंट 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के हम खबरों पर। सारंगगढ़ में ओडिशा से मध्य प्रदेश जा रहे 11 मजदूरों को तहसीलदार ने सारंगगढ़ पुनर्वास केंद्र में ठहराया। दरअसल ये मजदूर ओडिशा के तितलागढ़ काम करने गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो जाने पर पैदल ही मध्य प्रदेश जाने के लिए निकल पड़े थे, जिन्हें सारंगगढ़ पुनर्वास केंद्र में ठहराया गया है। ओडिशा तितलागढ़ से मध्य प्रदेश पैदल जा रहे 11 मजदूरों को सारंगगढ़ तहसीलदार ने सारंगगढ़ पुनर्वास केंद्र में ठहराया। वहीं उन्होंने रहने खाने के लिए व्यवस्था भी किया। दरअसल मध्य प्रदेश के कुछ जिलों से 11 मजदूर काम करने ओडिशा के तितलागढ़ गए हुए थे। वहीं कोरोना को लेकर देश में लॉकडाउन होने के बाद काम बंद हो जाने की वजह से भूखमारी की शिकार हो रहे 11 मजदूरों ने ओडिशा तितलागढ़ से पैदल मध्य प्रदेश जाने के लिए निकल गए। जहां सारंगगढ़ पहुंचने पर सारंगगढ़ तहसीलदार ने उन्हें उनकी जानकारी लेकर डॉक्टरों से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उन्हें रहने खाने पीने की व्यवस्था के साथ सबसे पहले सारंगगढ़ बस स्टैंड में बने पुनर्वास केंद्र में रखा। उसके बाद उन्हें शाम को कोरोना राहत शिविर प्री मैट्रिक छात्रावास में ले गए, जहां उन्हें शासन के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश से भेजा जाएगा। तब तक वे मजदूर राहत शिविर में ही रहेंगे। मैं उड़ीसा गया था काम करने के लिए, वहाँ से अपना ठेकेदार भाग जाने के कारण अपने जो है तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई। जब तक हुई तो अपने खाए पिए वही पैसे से, कुछ पैसे दिया कुछ दिया भी नहीं। बिहार का ठेकेदार था, उसका नाम पता अपने को एड्रेस है नहीं, इसके लिए अपने को तकलीफ आ रहा था। तो अपने पैदल यात्रा अपने सोची कि चले जाएँ घर अपने वापस, तो अपने को 4 दिन वहाँ से यहाँ आने में लगा। और अपने यहाँ आए तो अपने को खाने पीने का भी तो कोई दिक्कत नहीं आई। सुबह में जैसे पहुँचे वैसे अपने को चाय नाश्ता करवाया गया है, फिर उसके बाद पूरी सब्जी खिलाया गया है, तो अपने को तो खाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। कितने लोग आए साथ? अपने 11 लोग आए हैं। कितना किलोमीटर अभी तक तय किया है? अभी लगभग 250 किलोमीटर के आसपास किया होगा। ये पुनर्वास राहत शिविर में जो इन लोग उड़ीसा से आ रहे थे, उसके बाद में इनको सबसे पहले तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगगढ़ में ले गए, वहाँ चेकअप करवाए, उसके बाद में यहाँ को वो राहत शिविर में लेके आए हैं। इन लोगों उड़ीसा काम करने के लिए गए थे, उसके बाद में इन लोग MP जाना चाह रहे थे, तो इनको रास्ते में ही एक्यूपाई कर लिया, उसके बाद में यहीं पर रुकवाए हैं। अभी राहत अभी लॉकडाउन जब तक नहीं खुलेगा या आदि जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको यहाँ से जाने के लिए नहीं देंगे। जब वो ऊपर से आदेश आएगा उसी के तहत ही इनको छोड़ा जाएगा। 11 लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24।